कि मर के भी मैं भारत की लाज रखूंगा, मर के भी मैं भारत की लाज रखूंगा, आजाद हूँ आजाद मैं आजाद रहूंगा, आजाद हूँ आजाद मैं आजाद रहूंगा, कि अपनी शहादत से इनकलाब लिखूंगा, अपनी शहादत से इनकलाब लिखूंगा, आजाद हूँ आजाद मैं आजाद रहूंगा, आजाद हूँ आजाद मैं आजाद रहूंगा, कि जुल्म सितम चाहे तुम जितना भी करोगे, आजाद मेरे मुल्क को जरूर करोगे, बासंती तिलक माथे पे हमारी लगेगी, भारत की शाने और आन बान रहेगी, भारत की शाने और आन बान रहेगी, भारत की शाने और आन बान रहेगी, कि मर के भी मैं भारत की लाज रखूंगा, मर के भी मैं भारत की लाज रखूंगा, आजाद हूँ आजाद मैं आजाद रहूंगा, आजाद हूँ आजाद मैं आजाद रहूंगा, कि अपनी शहादत से इनकलाब लिखूंगा, कि अपनी शहादत से इनकलाब लिखूंगा, आजाद हूँ आजाद मैं आजाद रहूंगा, आजाद हूँ आजाद मैं आजाद रहूंगा। तो ये कहानी है वीर चंद्रशेखर आजाद की, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि अल्फ्रेड पार्क में एक अंग्रेजों के साथ हुए एक मुठभेड़ में उन्होंने स्वयं को गोली मार ली और कहा कि मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई ऐसी अंग्रेजी गोली नहीं बनी है जो मेरे जीवित रहते हुए मुझे मार सके। तो ये आजाद के बलिदान की कहानी हम आजादी के अमृत महोत्सव में देखेंगे और जानेंगे। कहते हैं कि बाल चंद्रशेखर बचपन में जब दिया सलाई जला रहे थे तो उन्होंने एक माचिस की तीली जलाई और एक माचिस की तीली में उन्होंने हंसते हुए कहा कि यदि इस एक माचिस की तीली से इतनी आग निकलती है तो माचिस की सारी तीलियों को एक साथ जलाया जाए तो कितनी ज्यादा रोशनी निकलेगी। सारे दोस्त उनके पीछे हो लिए, कोई इस काम के लिए तैयार नहीं हुए। अंततः चंद्रशेखर आजाद ने सारी तीलियों को एक साथ लेकर के उन्होंने जलाया, इसमें उनका पूरा का पूरा हाथ जल गया। सारे दोस्त देख करके ये घबरा रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। ये थे चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं लगता था, और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए उन्होंने हर क्रांतिकारी संभव प्रयास किए थे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभरा में हुआ था। इनके पूर्वज उन्नाव जिले के बदरका के रहने वाले थे, लेकिन कहा जाता है कि अकाल के कारण इनका परिवार अलीराजपुर के रियासत में नौकरी करने के लिए चला गया था। वहीं चंद्रशेखर आजाद का बचपन बीता, और कहते हैं कि बचपन से ही इन्हें पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगता था, लेकिन ये निशानेबाजी खेलकूद में अव्वल थे, सबसे आगे थे। इनके पिताजी चाहते थे कि ये काशी जाकर के संस्कृत पढ़े, इनकी भी इच्छा थी, परंतु पारिवारिक अभाव के वजह से या आर्थिक अभाव के कारण से वे वहां पर नहीं जा पाए। अंततः वे भील बच्चों के साथ में उन्होंने तीरंदाजी सीखी, और कुछ समय के लिए उन्होंने पैम्फलेट बांटे और कई क्रांतिकारी संगठनों को उन्होंने बचपन में ही ज्वाइन कर लिया था। गांव में चंद्रशेखर का मन बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं लग पाया। वो वहां से बम्बई चले गए और बम्बई से बनारस आ गए, और बनारस से तो उनकी क्रांतिकारी आंदोलन की कहानी शुरू हो जाती है। उन्होंने सचिंद्रनाथ सान्याल के साथ, मनमनाथ गुप्त के साथ में एवं अन्य कई क्रांतिकारी संगठनों के साथ में उन्होंने मिलकर के काम किया। उन्होंने रिवोल्यूशनरी नाम की पार्टी ज्वाइन कर ली, जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों को आगे बढ़ाने का जिम्मा जिसके हाथों में था। कई सारे पैम्फलेट उन्होंने बांटे, जिससे लोगों को क्रांतिकारी भावनाओं से ओतप्रोत किया जा सके। 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था, तो बाल चंद्रशेखर उस समय इस क्रांतिकारी आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। वे सत्याग्रह भी कर रहे थे एवं अंग्रेजी फौज का, पुलिस का वो मुकाबला भी कर रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने एक पत्थर एक पुलिस वाले को दे करके मारा, वो पुलिस वाला घायल हो गया और
उस समय दूसरे पुलिस वाले ने देख लिया, इनकी धरपकड़ की गई। जब इन्हें न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया तो उनसे पूछा गया, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, आजाद। बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है? स्वाधीनता। घर कहाँ है? जेलखाना। जज ने उन्हें 15 बेंत लगाने की सजा दी, और उस समय बेंत लगाने की सजा अत्यंत कठिन हुआ करती थी। आजाद के पूरे शरीर में दाग हो गए थे एवं वो तब तक भारत माता की जय कहते गए जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस घटना का जिक्र किया है कि आजाद, और तभी से इस घटना के बाद उनका नाम चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आजाद हो गया। अब तो आजाद की इच्छा पूरी तरीके से भारत के क्रांतिकारी आंदोलनों में लग चुकी थी। उन्होंने अनुशीलन, युगांतर, रिवोल्यूशनरी और साथ ही कई क्रांतिकारी संगठनों को ज्वाइन किया। अंततः वे चाहते थे कि भारत में क्रांति के बल पर आजादी प्राप्त की जाए। महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, आजाद इससे बहुत ज्यादा खिन्न हो गए। आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को बनाया। उन्होंने कई सारे काकोरी जैसे शौर्य को भी अंजाम दिया, जिसमें भारतीयों को, भारतीय क्रांतिकारियों को पैसे की जरूरत थी, और काकोरी से कहा जाता है कि वहां पर हथियार, असलहा और पैसे काकोरी में शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर ले जाए जा रहे थे। मुकदमा चलाया गया और कहते हैं कि 700 मुखबिरों को आजाद को पकड़ने के लिए भेजा गया, उनकी जाँच के लिए लगाया गया। इसी में चार हमारे जो क्रांतिकारी थे काकोरी शौर्य में, वे शहीद हो गए, जिसमें कि उनको फांसी की सजा दी गई, और जिसमें से कहते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी और अशफाकुल्ला, ये चार वीर थे जो काकोरी शौर्य में इन्हें फांसी की सजा मिली थी। परंतु आजाद चाहते थे कि भारत में कई क्रांतिकारी संगठनों को एक साथ लाया जाए। 1928 के आते आते आजाद ने भारत के समस्त क्रांतिकारी संगठनों को एक बैनर तले, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ गए। इन सभी का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रखा गया, और यह कहा गया कि हम बलपूर्वक, ताकत से, गोलीबारी से अंग्रेजों के अंदर भय उत्पन्न करके हम उनको भारत से बाहर निकालेंगे। इसी क्रम में साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है, और साइमन कमीशन के आगमन के कारण लाला लाजपत राय साइमन गो बैक का नारा देते हुए पंजाब में आंदोलन करते हैं। दुष्ट पुलिस अधिकारी सैंडर्स लाठी चार्ज का आदेश देता है, और इसी के 3 दिन के बाद लाला जी की मृत्यु हो जाती है। सारे क्रांतिकारी मिलकर के फैसला लेते हैं कि दुष्ट पुलिस अधिकारी सैंडर्स को मारा जाएगा। ये क्रांतिवीर अपने उद्देश्यों में पूरी तरीके से सफलता भी प्राप्त करते हैं और सैंडर्स को मार दिया जाता है, और बाद में आजाद पे इसीलिए मुकदमा भी चलता है। कई बार कहा तो ये भी जाता है कि लखनऊ में ही हजरतगंज के पास के पोस्ट ऑफिस में जो कोर्ट बना था, वहाँ पर आजाद वेश बदल करके आते थे, और प्रत्येक खास करके जो काकोरी शौर्य था, काकोरी बलिदान के जितने भी सदस्य थे, उनकी फांसी की सजा की एक एक कार्रवाई को वो सुनते थे, और ध्यानपूर्वक वो चाहते थे कि ये सारे के सारे क्रांतिकारी को छोड़ दिया जाए और इन्हें बरी कर दिया जाए। इसके लिए जो भी हर संभव प्रयास वो कर पाए उन्होंने किया, यहाँ तक कि जेल से भी छुड़ाने की उन्होंने कोशिश की थी। साथ ही साथ जब वो भगत सिंह को उन्होंने कहा था कि जो लाहौर में और खास करके जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर बम फेंक करके आप वहाँ पर खड़े मत होइए, बल्कि आप वहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन चूंकि भगत सिंह के दिमाग में पहले से ही था कि वे सोए हुए भारतीयों को जगाना चाहते थे, वे चाहते थे कि हम अपनी कुर्बानी दे करके पूरे के पूरे भारतीय जनमानस में अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए सतत प्रयास करने के लिए जागरूक करें। इसी दौरान आप जानते हैं कि भगत सिंह इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जब बम फेंकते हैं और वो पर्चियां बांटते हैं कि ये पर्चियां बहरे कानों को सुनाने के लिए है, इसी बीच उनको पकड़ लिया जाता है और पकड़ के उनके ऊपर भी फांसी का मुकदमा चलाया जाता है, और अंततः फांसी की उन्हें सजा दी जाती है। उनके फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को होती है। उनकी फांसी की सजा में उन्हें छुड़ाने के लिए ही आजाद
कई बड़े नेताओं से मिलते हैं। कहा जाता है कि वे आनंद भवन पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी जाते हैं मिलने के लिए, ताकि किसी भी तरीके से इन क्रांतिकारियों को छुड़ाया जा सके। लेकिन कहते हैं कि गद्दार भारत में उस समय भी थे और कई सारी गतिविधियों के बारे में अंग्रेजों को खबर देते थे। उन्हीं में से कुछ लोगों ने अंग्रेजों को यह खबर दे दी कि अल्फ्रेड पार्क में वो मशविरा कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कुछ क्रांतिकारियों के साथ में। और इसी समय एक अंग्रेज अधिकारी नटवर वहां पर आते हैं कुछ पुलिस कर्मियों को लेकर के, और चारों ओर से पार्क को वो घेर लेते हैं। आजाद अपने साथी को भगाने के लिए कहते हैं कि तुम यहां से भाग जाओ, और स्वयं सामना करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि वो गोली चलाते हुए 3 पुलिस कर्मियों को मार भी देते हैं, और उनके बंदूक में जब अंतिम गोली बची रहती है तो कहते हैं कि कोई अंग्रेजी गोली नहीं बनी है जो हमें मार सके। वो अपने कनपट्टी पे बंदूक सटाते हैं और स्वयं भारत माँ की बलि वेदी पे अपनी कुर्बानी वो देते हैं। तो ये थे आजाद, जो कहते थे कि मैं आजाद हूँ, आजाद था और आजाद ही रहूंगा, हमें कोई अंग्रेज जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो आजादी के इस अमृत महोत्सव में कई उन क्रांतिकारियों के बारे में हम बात करेंगे, जो क्रांतिकारी जिन्होंने भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।